वाराणसी स्थित भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान अपने शोध के लिए जाना जाता है। इस संस्थान ने 3 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें देश भर के कृषि वैज्ञानिक शोध छात्रों के साथ साथ आसपास के किसान भी सम्मिलित हुए हैं। इन किसानों के उत्पादों को प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने भी देखा और सराहा। किसानों ने अपना अनुभव साझा किया डीडी न्यूज से। राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन है और ये वो किसान हैं जो प्रगतिशील किसान हैं, वाराणसी के किसान हैं और सब्जी अनुसंधान संस्थान से जुड़कर कुछ नए उत्पाद कर रहे हैं, लाभ ले रहे हैं कृषि का। आप कहाँ से हैं और क्या आपका प्रोडक्ट है जिसका लाभ आपको IIBR की तरफ से जी मिला? नमस्ते सर, मेरा नाम आशीष सिंह है और मैं इसी गांव सहनसापुर से ही हूँ जहाँ यह सब्जी अनुसंधान केंद्र है जी। मेरा कंपनी का नाम है काशीराज एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, जो एक FPO है, उसी के माध्यम से हम लोग कर रहे हैं जी। क्या कर रहे हैं सर? ये बेबी कॉर्न है जिसपे हमारे मतलब हम लोगों ने उगाया है और ये IIBR के सहयोग से उगा है। ये इनका पहला प्रोजेक्ट था जो सक्सेस रहा है और मैंने इसे हार्वेस्ट भी किया है जी। ये तो आशीष जी हैं जो बेबी कॉर्न जो ये दिखा रहे हैं, इनका अच्छा प्रोडक्ट है और सहनसापुर जो जहाँ पे सब्जी अनुसंधान है इसी गाँव के रहने वाले हैं। एक दूसरे साथी हमारे हैं अवनीश पटेल जी जो कि शिमला मिर्च की खेती कर रहे हैं और ये शिमला मिर्च इनकी है। आशीष, अविनाश, अवनीश जी, जी ये क्या आप लोगों ने कब शुरू किया और क्या इसका आप फायदा उठा पा रहे हैं? जी सर, हम IIBR से जुड़े हुए हैं, 2 साल हुए इसका खेती करते हुए। हम फार्मर हैं, अपना खुद लगाते हैं और अपना खुद ही पैदा करते हैं इसको। सर मार्केट में तो ये इस समय 150 रुपये KG का बिक रहा है। खुद से उत्पाद करते हैं और सबसे बड़ी बात है कि अभी उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री आए, उन्होंने भी इन लोगों के उत्पाद के बारे में पूछा और प्रसन्नता जाहिर की कि हमारे किसान किस तेजी से इस तरह की सब्जियों का उत्पाद कर रहे हैं और लाभ ले रहे हैं। डॉक्टर हरकेश बहादुर सिंह गौतम, सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी, DD News।